कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है? ये एस वेरिएंट है। एस वेरिएंट से ही आपको यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प्स मिलने लगे हैं। ई और ईएक्स में ये आपको यहाँ पे क्रोम लाइन दी जाती है, डीआरएल नहीं दिए जाते हैं। इंडिकेटर्स ई और ईएक्स से हट के ओआरवीएम्स पे आ चुके हैं। इस वेरिएंट से आपको डिफॉगर और वाइपर मिलने लगेगा। यहाँ पे टच स्क्रीन ये वाली लगाई गई। स्टीयरिंग में हाइट टिल्ट और टेलीस्कोपिक बेस वेरिएंट से ही ऑफर किया जा रहा है। भाई ये देखो क्रेटा का नाइट में लुक। तो भाई क्रेटा 2024 लॉन्च हो चुकी है और फेसलिफ्ट बवाल लग रही है भाई। लेकिन लोगों को सबसे पहले क्या जानना होता है कि भैया कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है भैया जिनको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की इंतज़ार रहता है। और ये वेरिएंट कौन सा है? ये एस वेरिएंट है, यानी एक तरह से कह लें मिड वेरिएंट। और अब इस मिड वेरिएंट में आपको कौन सी ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको लगता है कि यार ये तो सही काम की फ़ीचर्स दे दिए है, और कौन से ऐसे फ़ीचर्स थे जो मुझे नहीं चाहिए थे और इससे भी मेरा काम चल जाएगा? तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो भाई ये एस वेरिएंट में आपको यहाँ ये डीआरएल्स मिलते हैं, बोनट नए स्टाइल का कर दिया गया है। और अच्छी चीज़ क्या है, एस वेरिएंट से आपको जो डीआरएल्स है ना ये कनेक्टिंग मिलने लगे हैं, यानी बीच वाले भी पोर्शन में। ई और ईएक्स में ये आपको यहाँ पे क्रोम लाइन दी जाती है, डीआरएल नहीं दिए जाते हैं। साथ ही जो ग्रिल है वो ग्रिल में यहाँ आपको ग्रे पियानो ग्रे फिनिश यहाँ से मिलने लगा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहीं से इसी वेरियंट एस वेरियंट से ही आपको यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प्स मिलने लगे हैं। फॉग लैम्प्स यहाँ पे हट चुके हैं, लेकिन जो लुक वाइज है वो आप देखेंगे तो एक नई ग्रिल आ गई है काफ़ी बड़ी और चौड़ी, और जो गैप्स हैं वो थोड़े से यहाँ बढ़ गए हैं। इसके अलावा कैमरा इस वेरिएंट में नहीं मिलता, इससे ऊपर वाले एसएक्स वेरिएंट में मिलता है। एडास का रेडार भी आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट में ही ऑफर किया जाता है, लेकिन जो लुक है वो अब आपको पूरी तरह से इस वेरिएंट से जो टॉप वेरिएंट वाला है वो मिलने लगेगा। और साथ ही इसमें आपको को एलॉय व्हील टाइप के व्हील कवर्स यहाँ से मिलना शुरू हो गए हैं, ये आप देखोगे, लेकिन 16 इंच के मिलेंगे। एसएक्स में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर साइड लुक की भी बात करेंगे तो यहाँ इंडिकेटर्स ई और ईएक्स से हट के ओआरवीएम्स पे आ चुके हैं। रूफ रेल भी इसी वेरिएंट में आपको ऑफर की जाने लगी है। साथ ही यहाँ पे आपको ये ब्लैक वाला स्टिकरिंग मास्किंग भी मिलने लगी है। हैंडल्स पे रिक्वेस्ट सेंसर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिलने लगा है, क्योंकि इससे नीचे वाले जो वेरिएंट है ई और ईएक्स में वो वहाँ पे नहीं ऑफर किया जाता है। बैक से आप देखेंगे तो सबसे पहले बैक लुक की बात करें तो एक फ्रेश लुक आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, स्पॉइलर मिल रहा है, स्टॉप लैंप मिल रहा है। इस वेरिएंट से आपको डिफॉगर और वाइपर मिलने लगेगा, बाकी नीचे के दोनों वेरिएंट में आपको डिफॉगर और वाइपर नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको ये जो टेल लाइट है ये भी अब आपको पूरी मिलने लगेगी। हालांकि कनेक्टिंग टेल लाइट दोनों में ही ऑफर की गई है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये एस वेरिएंट से ऐड हो गया है। इसके नीचे वाला ई और ईएक्स में देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, इस वेरिएंट से आपको ये भी मिलने लगेगा। स्किड प्लेट लगभग सबकी सेम है, ये आप देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बैक लाइट यहाँ पे ऑफर की जा रही है। इंटीरियर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रे, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन मिलने लगा। साथ में यहाँ पे ओआरवीएम्स का एडजस्टमेंट अब आपको मिलने लगा, ये भी अब सिल्वर मिलने लगा है, बेस वेरिएंट में नहीं है। ई का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ हाइट एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन आपको बेस वेरिएंट से ही मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो है वो सारे ऑफर किए जाने लगे हैं। और इंटीरियर की बात करें तो यहाँ आपको पूरा वाला स्क्रीन नहीं मिलता है, लेकिन 10.25 इंच का यहाँ पे आपको डिजिटल स्क्रीन मिलता है ये इस तरह का, लेकिन वो वाला नहीं मिल रहा है जो आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाला, और साथ ही जो आपको टॉप वेरिएंट्स मिलता है वो वाला नहीं मिलता है। एस वेरिएंट तक यही मिलता है आपको स्क्रीन। साथ ही यहाँ पे टच स्क्रीन ये वाली लगाई गई जिसकी बटन्स यहाँ हैं। ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता, मैनुअल एसी मिल रहा है। एसी वेंट्स को भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे से प्लेसिंग यहाँ पे की गई है। और साथ ही जो फ्रेश इंटीरियर, यहाँ पे जो रबराइज मटेरियल है ना वो बड़ा अच्छा लगाया गया है यार, आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो और वो स्लिप नहीं करेगा। साथ ही ऊपर की तरफ यहाँ आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती है इस वेरिएंट में, होल्डर मिलता है। साथ ही ये लाइट्स मिलती है जो कि येलो है, वाइट नहीं है। और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर ही मिलता है सारे ही वेरिएंट्स में लगभग। यहाँ पे आपको मिरर मिलता है को पैसेंजर के साइड, लेकिन लाइट नहीं मिलती है। फैब्रिक जो है वो लेदर नहीं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप बेस वेरिएंट में देखोगे या टॉप वेरिएंट में, तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो लगभग सेम ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ग्रे, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे का। साथ ही जो फैब्रिक है वो बड़ा अच्छा दिया गया है। कप होल्डर की यहाँ जगह है,
यहाँ पे आप सॉकेट की बात करेंगे तो आपको यूएसबी टाइप एक दिया गया है, सी टाइप दिया गया है और 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। यूएसबी टाइप जो है वो आपको ई और ईएक्स में नहीं था, एस वेरिएंट से शुरू हो गया, यहाँ मोबाइल वगैरह रखने की जगह दी गई है। मैनुअल ये गाड़ी है। इंजन ऑप्शंस में तो ऑलरेडी ये आपको पता ही है कि तीन इंजन में आती है, 1.5 लीटर पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर डीजल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको स्टेयरिंग में हाइट टिल्ट और टेलीस्कोपिक बेस वेरिएंट से ही ऑफर किया जा रहा है। वहीं पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे कि तो बैक की जो सीटिंग है, कर्टन्स आपको यहाँ इस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाएंगे, साथ ही डोर जैसा फ्रंट में था वैसे ही रेयर में मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सीटिंग आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी, और अगर मेरी हाइट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको लेग रूम भी मिलेगा, हेड रूम भी मिलेगा, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है। सीट बेल्ट के लिए यहाँ पे तीनों पैसेंजर्स के लिए दिया गया है, साथ ही आर्मरेस्ट और कप होल्डर का भी ऑप्शन दिया गया है। एसी वेंट्स भी आपको पीछे की तरफ मिलते हैं, बढ़िया सिल्वर फिनिश के साथ, मोबाइल में रखने की जगह मिलती है। इसके अलावा दो यूएसबी के चार्जिंग पॉइंट भी मिलते हैं। तो ओवरऑल आगे पीछे लाइट दोनों तरफ आपको मिल रही है। बूट की हम बात करते हैं तो बूट आपको दिखा देते हैं। तो बूट में आपको इस तरह का ट्रे मिलता है जो कि ग्रे फिनिश में बोल रहा हूँ, वो पूरी तरह से हो गया। लैंप यहाँ पे ऐड हो गई है, साथ ही आपको 16 इंच के स्पेयर व्हील मिलता है टूल रखने का, और साथ ही ये लॉक का ऑप्शन है ताकि बड़बड़ाए ना। यहाँ पे पार्सल ट्रे आपको मिलती है। तो ये हो गया ओवरऑल लुक वाइज और फीचर वाइज। अगर आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढ रहे हैं तो एस वेरिएंट आपके लिए एक किफ़ायती वेरिएंट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको अलॉय व्हील भी मिल जाती है, म्यूज़िक सिस्टम भी मिल जाता है। जो लोगों की ये सोच रहती है कि भाई मुझे आफ्टर मार्केट नहीं करवाना है, कंपनी फिटेड ही चीज़ चाहिए, तो उनके लिए ये वेरिएंट अच्छा हो सकता है और सनरूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बहुत ही बढ़िया है भाई। ये वेरिएंट एस वेरिएंट हुंडई क्रेटा 2024 का आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि जो ई वेरिएंट का भी मेरा वीडियो है, टॉप वेरिएंट का भी मेरा वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हो, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट अच्छा है। और बाकी भी वेरिएंट्स के मैं वीडियोज़ जल्दी बनाऊँगा और आपको ऑटोट्यूब इंडिया पर देखने को मिलेगा। भाई ये देखो क्रेटा का नाइट में लुक, किस तरह के DRLs और हेडलैम्प्स और ये इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। पीछे से भी आपको दिखाते हैं भाई कि किस तरह का लुक बैक से है। ये देखो आप, इस तरह से पीछे से भी ये कार देखने में लगती है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और जय हिंद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटोट्यूब इंडिया।